हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस कुरोटो के प्रॉब्लम 1.57 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ थिन हुप ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इंस्टेंट एट द इनिशियल इंस्टेंट द हुप इज एट रेस्ट। A small washer of mass small m with zero initial velocity slides from the upper point of the hoop along a smooth groove in the inner surface of the hoop. The velocity u of the center of mass of the hoop at the moment when the washer is at a certain point A of the hoop. A point कहां पर है hoop में, वो मैं अभी चित्र दिखाऊंगा आपको। Whose radius vector forms an angle phi with the vertical, ये चित्र में आप देख पाएंगे, इज, यानी आपको कैलकुलेट करना है कि उस इंस्टेंट पर हुप के सेंटर की वेलोसिटी क्या होगी जिस इंस्टेंट पर वाशर एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा, जिसे आप चित्र में देख पाएंगे। अब ध्यान दें, द फ्रिक्शन बिटवीन द हुप एंड प्लेन शुड बी नेग्लेक्टेड, इस तरह से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी हुप और प्लेन के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन फोर्स परफॉर्म नहीं करेगा। अब ध्यान दें, इस प्रॉब्लम में वाशर जिस सरफेस पर चल रहा है, जिस ग्रुप पर चल रहा है, उसे पहले ही स्मूथ बता दिया गया है और फाइनली प्लेन और हुप के बीच में फ्रिक्शन नहीं है ऐसा कहा गया है। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है कंप्लीटली किसी भी सरफेस पर। अब ध्यान दें, जो चित्र दिया है पहले आप एक बार उसे देखें। एक हुप दिया हुआ है जो कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है और इस हुप में एक ग्रूव है कुछ इस तरह से, मैं इसे बना रहा हूं, आप ध्यान से समझें। और इस ग्रूव में एक वाशर मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल पोजीशन तो इस ग्रूव के टॉप पर है, लेकिन फाइनली जिस इंस्टेंट के लिए इस हुप की वेलोसिटी यू कैलकुलेट करनी है उस इंस्टेंट पर इस वाशर को कुछ इस तरह की पोजीशन में शो किया गया है। इस पोजीशन को आप वर्टिकल डायरेक्शन से फाई एंगल के रूप में मेजर कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह का पिक्चर दिया हुआ है, ये वाशर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मूव कर रहा है और हमें बताना है कि जब ये वाशर इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो इस हुप की वेलोसिटी यू कितनी होगी। अब ध्यान दें, हमें यू कैलकुलेट करना है तो कई क्वेश्चन इससे पहले भी हम इस प्रकार के कर चुके हैं। एक बार फिर से हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से एनर्जी और रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दें, मास इस थिन हुप का कैपिटल एम दिया है। पहले मैं ये सभी डाटा इसमें लिख दे रहा हूं। हुप के मास को कैपिटल एम दिया है और इस वाशर के मास को स्मॉल एम बताया गया है। सो वाशर के मास को मैं शो कर दे रहा हूं स्मॉल एम। इसके अलावा इस हुप के रेडियस को स्मॉल आर सिंबल से शो किया जा रहा है, यानी आप अपने आंसर में एम एम आर और फाई को यूज कर सकते हैं। अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक बार समझें। ध्यान दें कि सबसे पहले जब वाशर इस पोजीशन में था तो उस कंडीशन में इस हुप को रेस्ट में बताया गया है। सो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी वाले कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो टर्म मैं लिख पाऊंगा, एक बार आप उसे देखें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम होनी चाहिए हाफ इंटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो कि एम प्लस एम है इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस पोजीशन में जब ये वाशर है तो हुप और वाशर दोनों ही रेस्ट में है। सो इनिशियल सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी की जगह पर मैं नल वेक्टर यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। और दूसरे पार्ट के रूप में रिड्यूस्ड मास की एनर्जी को मैं लिखूंगा हाफ एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर। सो आप देख पा रहे हैं कि इनिशियली वाशर और हुप दोनों रेस्ट में है। सो इस टर्म को मैं लिखूंगा नल वेक्टर माइनस नल वेक्टर स्क्वायर। यानी आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंस्टेंट पे जीरो आ रही है। अब एक बात पे यहां ध्यान दें कि जिस एनर्जी को दोनों पार्टिकल्स के लिए इंडिविजुअली निकाल के हाफ एम
यू वन स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम यू टू स्क्वायर लिखा जा सकता था, उसे मैंने जब सेंटर ऑफ मास की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी यानी रिड्यूस्ड मास से एसोसिएटेड टर्म के रूप में लिखा, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आया और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का नेट वैल्यू हमें जीरो मिला। एक बात पर ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम को हम सेंटर ऑफ मास की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स से एसोसिएटेड एनर्जी के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी मैं सभी टर्म्स को उसी फॉर्मूले से एसोसिएट कर रहा हूं। कई बार स्टूडेंट यह सोचता है कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को तो डायरेक्ट जीरो लिख सकते थे, तो आपने यह एक्सप्रेशन क्यों दिया। तो समझें कि इस क्लिप में मैं इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मेजर कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मेजर करने का मेरा अर्थ यह है कि मैं इस कंप्लीट सिस्टम की एनर्जी को सेंटर ऑफ मास पे नेट सिस्टम के मास के बराबर मास के एक पार्टिकल को जो कि सीएम की वेलोसिटी से चल रहा है की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो एनर्जी पार्टिकल्स में दिखती है उस एनर्जी के सम के रूप में लिख रहा हूं। सो अभी मैं अपने सारे स्टेप इसी फॉर्मूले से एसोसिएट कर रहा हूं। जब ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे एक बार फिर से, तो हम एनर्जी को दोनों पार्टिकल्स के लिए इंडिपेंडेंटली लिखेंगे और उनको आपस में एसोसिएट नहीं करेंगे। यहां पर आप क्लियर ध्यान रखें कि जब आप हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर लिखते हैं तो उस तरह से लिखी गई एनर्जी का वैल्यू और इस तरह से लिखी गई एनर्जी का वैल्यू आपस में सेम आता है। सो अभी हम रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट से कर रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लिप में हम ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे, तब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली जीरो पुट करेंगे। सो सभी बातों पर ध्यान देते रहें। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हो चुकी है। अब जब ये वाशर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाएगा तो हम जानते हैं कि इस चेंज के बाद वाशर और हुप दोनों में मोशन डेवलप हो जाएगा, दोनों ही कुछ वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए जब ये वाशर इस पोजीशन तक पहुंच जाएगा तो इस हुप की वेलोसिटी उस इंस्टेंट के लिए u वेक्टर है और इस वाशर की वेलोसिटी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वाशर x और y दोनों एक्सिस में मोशन कर रहा है, सो इसकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट को मैं ux से और y कंपोनेंट को uy से प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान दें यहां पर ux x एक्सिस के डायरेक्शन को और uy को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया गया है। मैं यहां पर वेक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए यूनिट वेक्टर्स को प्रेजेंट कर दे रहा हूं। So, अगर हम इस प्रॉब्लम में डायरेक्शंस एसोसिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से आई वेक्टर और जे वेक्टर को यूज करेंगे। अब ध्यान दें इस सेकंड पोजीशन में वेलोसिटीज को कंसीडर किया जा चुका है। सो अगर इन सभी वेरिएबल्स यू यू एक्स और यू वाई को यूज करके इस नई पोजीशन में सिस्टम की नेट एनर्जी को लिखें तो क्या लिखी जाएगी। ध्यान दें अगर मैं इसे के फाइनल से प्रेजेंट करूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होना चाहिए, ध्यान दें, सेंटर ऑफ मास की एनर्जी के रूप में एक्स एक्सिस कंपोनेंट को एसोसिएट करते हुए पहले मैं लिखूंगा हाफ एम प्लस एम इंटू सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी स्क्वायर, तो उस टर्म के रूप में क्या लिखा जाएगा आप ध्यान दें, वो होगा एम इंटू यू वेक्टर जिसे मैं यू आई कैप लिख रहा हूं प्लस स्मॉल एम यू एक्स आई कैप अपॉन एम प्लस एम, और चूंकि हमें इस टर्म का स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायर से इसे एसोसिएट कर रहा हूं। वेक्टर के स्क्वायर का मीनिंग आप जानते हैं, जब हम किसी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसका सीधा मीनिंग उस वेक्टर से उसी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने से होता है। So, इस प्रकार से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाले वेलोसिटी कंपोनेंट्स को यूज करके सेंटर ऑफ मास पार्टिकल की एनर्जी को लिखा गया है। एक बात यहां आप और देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में केवल ये वाशर मोशन कर रहा है। सो इस वेलोसिटी के अवेलेबल होने के कारण इसमें कुछ एनर्जी और होगी। सो उस एनर्जी के अमाउंट को भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में शामिल करना पड़ेगा। सो वो अमाउंट होना चाहिए हाफ एम इंटू यू वाई माइनस जे कैप वेक्टर होल स्क्वायर। यहां पर आप ध्यान दें कि माइनस जे कैप यूज किया जा रहा है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को जे कैप कंसिडर किया गया है जैसा कि कॉमन नोटेशन है,
और अब रिड्यूस्ड पार्ट के रूप में जिस एनर्जी को दिया जाता है यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स में जो एनर्जी नजर आती है उसे लिखा जाएगा हाफ कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम इनटू रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर। और हम देख पा रहे हैं कि ये वासर और हुप यू एक्स और यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं तो इनके रिलेटिव वेलोसिटी के रूप में लिखा जाएगा यू एक्स आई कैप माइनस यू आई कैप और इसका स्क्वायर करना होगा एनर्जी को प्रेजेंट करने के लिए। तो ध्यान दें इतनी काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम के पास होगी टोटल जब ये वासर इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब एक बात पर ध्यान दें एक्स एक्सिस वो डायरेक्शन है इस प्रॉब्लम में जिस डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई नेट फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप यहां पर ध्यान दें कि मैं सिस्टम पर नेट फोर्स नहीं लग पाने की बात कर रहा हूं। अगर आप वासर का इंडिविजुअल पिक्चर देखेंगे या इस हुप का इंडिविजुअल पिक्चर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोनों पर ही फोर्स लग रहा है और यही वजह है कि जो हुप पहले रेस्ट में था अब यू वेक्टर वेलोसिटी गेन कर चुका है और यही बात इस वासर के लिए भी कही जा सकती है। सो इंडिपेंडेंटली दोनों पर फोर्स परफॉर्म कर रहा है लेकिन अगर हम इसे एक सिस्टम माने तो एक्सटर्नली कोई भी फोर्स इस सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है। सो फोर्स चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी प्रकार का तो हम इस एनर्जी को लिखते समय इन दोनों पार्ट्स को यानी सेंटर ऑफ मास की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी को वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं जैसा हम किसी नॉर्मल प्रॉब्लम में करते हैं। एक चेंज फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते समय यह आया है कि इस केस में हुप ने कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी गेन कर ली है तो हमने उस वर्टिकल वेलोसिटी से एसोसिएटेड एनर्जी को अलग से प्रेजेंट कर दिया है। सो इस तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को प्रेजेंट किया जा सकेगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले ही लिखी जा चुकी है। अब ध्यान दें हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी में आने वाले चेंजेस के लिए सभी फोर्सेस के वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके इन एनर्जी वैल्यूज को आपस में एसोसिएट करूं तो क्या इक्वेशन बनेगी आप समझे। ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ एम यू आई कैप प्लस एम यू एक्स आई कैप होल स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। एक एम प्लस एम को कैंसिल किया जा चुका है आप ध्यान दें प्लस इस टर्म को लिखा जाएगा हाफ एम यू वाई स्क्वायर और आप समझ सकते हैं कि जे कैप को जे कैप के साथ डॉट करके वन बना दिया गया है और माइनस के स्क्वायर को भी वन में चेंज कर दिया गया है और इस फाइनल टर्म के रूप में आप देख पाएंगे हाफ एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू यू एक्स माइनस यू न्यूमेरिकल वैल्यू होल स्क्वायर और क्लियरली आई वेक्टर को कॉमन लेके स्क्वायर करने पर वो आई डॉट आई यानी वन बन जाएगा। सो उस टर्म को यहां से मैंने हटा दिया है। सो कुछ इस तरह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को प्रेजेंट किया जाएगा और अब इसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करने पर यानी जीरो को माइनस करने पर जो आउटकम आएगा उसे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के इक्वल होना चाहिए। आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से सभी फोर्सेस का वर्क डन नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। एक बात पर और ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम में भी सभी प्रॉब्लम्स की तरह मैंने सभी वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही कंसीडर किए हैं तो आप ध्यान दें कि ये वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आ सकती है। सो अगर किसी की डायरेक्शन मेरे एजम्पशन से अपोजिट है तो मैथमेटिकली सॉल्व करने पर वो आउटकम अपने आप दिख जाएगा। सो किसी भी प्रॉब्लम में जब हम किसी वेरिएबल के डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसे किस डायरेक्शन में रखा जाए। एक कॉमन डायरेक्शन में सभी वेक्टर्स को रख के हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है वो आउटकम में हमें अपने आप मिल जाता है। यानी अगर हम यू वेक्टर की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं और फाइनली ये पॉजिटिव आउटकम आता है इसका मतलब जो एजम्पशन हमने लिया वो सही है और अगर यू एक्स का डायरेक्शन इस तरफ कंसिडर करके निगेटिव में आउटकम आता है तो ये बात समझ में आ जाती है कि इसका डायरेक्शन जैसा चुना गया है उसके अपोजिट होना चाहिए। सो इस तरह से इस प्रॉब्लम में भी हमने एक कॉमन डायरेक्शन सभी वेक्टर्स के लिए चुनी है। आप ध्यान देते रहें।
अब ध्यान दें, इस तरह से एनर्जी चेंज को वर्क डन बाय ऑल फोर्स से इक्वेट किया जा सकता है। और अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके वर्क डन बाय ऑल फोर्स की वैल्यू को पुट करके यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो कैसे करेंगे इस बात को समझें। मैं ये सभी यहां से हटा रहा हूं, इन स्टेप्स को आप समझ चुके हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस को कैलकुलेट करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रेविटी ही एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है इस प्रॉब्लम में जो इस सिस्टम पर वर्क परफॉर्म कर रहा है। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सो ग्रेविटी के वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज के नेगेटिव से इक्वेट कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहे, हम यह जानते हैं कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के नेगेटिव से दिया जाता है। अब ध्यान दें, इस वाशर की इनिशियल पोजीशन को रिफरेंस लेवल कंसीडर करते हुए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करें तो ऐसा करना रिलेटिवली कंफर्टेबल होगा। कैसे करेंगे आप ध्यान दें, इस लेवल को रेफरेंस लेवल कंसीडर करते हुए वाशर की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लगाया जा सकता है। सो मैं यू आई के प्लेस पे जीरो अप्लाई कर रहा हूं। और अब इस फाइनल पोजीशन में वाशर की पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इस हाइट को कैलकुलेट करना होगा। सो ये टर्म आर है, हम देख पा रहे हैं, और इस रेडियस के आर होने के कारण इसे आर कॉस फाई होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। सो इस पोजीशन को हम इस पोजीशन से आर प्लस आर कॉस फाई ग्रेविटी की डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइट ज्यादा होने पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। सो इसे रेफरेंस लेवल कंसीडर करते हुए इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को हमें लिखना चाहिए माइनस एम जी इंटू आर प्लस आर कॉस फाइ। सो कुछ इस तरह से इनिशियल पोजीशन को रेफरेंस लेवल मानते हुए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को प्रेजेंट किया जाएगा। और एक माइनस साइन इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी लगा हुआ है जैसे मैं अप्लाई कर दे रहा हूं। एक बात पर और ध्यान दें, जब हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं तो किसी भी पोजीशन को रेफरेंस लेवल माना जा सकता है। कई बार स्टूडेंट ये बात माइंड में लाता है कि सर कभी आप ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं और कभी टॉप पॉइंट को। तो ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, इसे एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सो किसी भी प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स को लिखने के लिए पहले हमें एक लेवल को रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है। और क्लियरली ये हमारी चॉइस होती है कि हम किस लेवल को रेफरेंस लेवल माने। सो इस टॉप पोजीशन को रेफरेंस लेवल मानते हुए इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिखा है कुछ इस तरह से। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखूं तो ये क्या बनेगी, आप ध्यान दें, ये होगी हाफ एम यू प्लस एम यू एक्स अपॉन एम प्लस एम, और न्यूमरेटर के टर्म में एक स्क्वायर लगाना है। इसमें आई वेक्टर को मैं रहने दे रहा हूं, इसका पर्पज हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म है हाफ एम यू वाई स्क्वायर, और थर्ड टर्म के रूप में हमें मिला है हाफ एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू यू एक्स माइनस यू होल स्क्वायर, और इसे इक्वल होना चाहिए इस टर्म के, और यह है माइनस माइनस प्लस एम जी आर कॉमन लेने के बाद यह वन प्लस कॉस फाई हो जाएगा। सो इसे एम जी आर वन प्लस कॉस फाई लिखा जा सकेगा। माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया जा चुका है। कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा जब हम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के प्लेस पे ग्रेविटी के वर्क डन को पुट करेंगे। एक बात पे ध्यान दें कि इस हुप और वाशर को एक सिस्टम मानते हुए केवल ग्रेविटी ही एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स था जिसने वर्क किया है, बाकी इंटरनल फोर्सेस का नेट वर्क डन जीरो से इक्वेट हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। सो मैंने केवल ग्रेविटी के वर्क को ही इस प्लेस पर डब्ल्यू ऑल में कंसिडर किया है। अब ध्यान दें, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वाशर की जर्नी में हम देख पाए कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी परफॉर्म कर रही है। यही वजह है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस हुप में चलते समय वाशर ने कुछ वेलोसिटी गेन की, लेकिन यह बात क्लियरली देखी जा सकती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है। सो मोमेंटम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपेयर किया जा सकेगा। सो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन के कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम में यूज करूं,
इस वाशर और हुप सिस्टम के लिए, तो क्या इक्वेशन मुझे मिल पाएगी? आप ध्यान दें, इनिशियल पोजीशन पर जब वाशर था तो उस समय वाशर और हुप दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, सो इनिशियल मोमेंटम को मैं लिखूंगा नल वेक्टर के रूप में। और जब ये वाशर इस पोजीशन पे आ गया तो हमने वाशर की वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को यू एक्स और हुप की वेलोसिटी को यू वेक्टर माना है। तो इस फाइनल पोजीशन पर वाशर के आ जाने के बाद मोमेंटम को लिखा जाएगा एम यू एक्स आई कैप प्लस कैपिटल एम यू आई कैप, यानी एम यू एक्स आई कैप प्लस एम यू आई कैप को नल वेक्टर के बराबर होना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि इस एनर्जी एक्सप्रेशन में जो जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये टर्म जिसे मैंने शुरू से बचाया हुआ है, इसका वैल्यू नल वेक्टर आ गया। सो ध्यान दें कि जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन कंसेप्ट के आते ही वो सिंप्लीफाई हो जाता है। सो ये बात मैं बार बार अपने हर सवाल में बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल की एनर्जी लिखने वाले कंसेप्ट में जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन सॉल्वेबल होते हैं और बड़ी आसानी से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर मैं एम यू एक्स आई कैप प्लस एम यू आई कैप का वैल्यू नल वेक्टर के रूप में इस इक्वेशन में अप्लाई करूं तो आप समझ सकते हैं कि ये टर्म रिमूव हो जाएगा इस इक्वेशन से। और दूसरी बात पर ध्यान दें कि अगर हम दोनों तरफ आई वेक्टर के कोफिशियंट कंपेयर करें, यहां पर मैं नल वेक्टर को जीरो आई कैप लिख देता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं आई वेक्टर के कोफिशियंट कंपेयर कर रहा हूं, तो यू एक्स की वैल्यू को यू के टर्म में कैलकुलेट किया जा सकेगा। ये क्या होगी एक बार ध्यान दें, आई वेक्टर के कोफिशियंट को लेफ्ट में जीरो देखा जा रहा है और राइट में एम यू एक्स प्लस एम यू, सो इसे सॉल्व करने पर यू एक्स का वैल्यू आएगा एम यू अपॉन स्मॉल एम विथ माइनस साइन। अब इस यू एक्स की वैल्यू को इस प्लेस पे यूज किया जा सकेगा। फाइनली आप समझे कि अब मुझे केवल यू वाई की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यू वाई को कैलकुलेट कर लेता हूं तो उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू को निकाला जा सकेगा। सो कैसे आगे करेंगे इस बात पर ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इसे आप समझ चुके हैं। अब ध्यान दें, हमें यू वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है ताकि इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल यू रिमेनिंग रह पाए। सो ध्यान दें कि जब वाशर इस पोजीशन पे आया तो इस पोजीशन पे हमने इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यू एक्स और यू वाई के रूप में बनाए। अब ध्यान दें, हम ये देख पा रहे हैं कि इस वाशर और इस हुप के बीच में एक टच बना हुआ है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाशर इस हुप में टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है हुप के रिस्पेक्ट में, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में इस वाशर का किसी प्रकार का कोई मोशन इस हुप के रिस्पेक्ट में नहीं है। सो ध्यान दें कि अगर ये वाशर इस हुप के रिलेटिव नॉर्मल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं कर रहा है तो इस नॉर्मल डायरेक्शन में हुप की वेलोसिटी का कंपोनेंट और वाशर की वेलोसिटी का कंपोनेंट सिमिलर आना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में बने हुए हैं तो इस कॉन्टेक्ट के बने रहने के लिए ये जरूरी है कि दोनों की वेलोसिटीज का जो कंपोनेंट इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो सिमिलर हो। सो उसी कंसेप्ट को यूज करके अगर मैं इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, आप समझें। इस यू एक्स के कंपोनेंट को इस नॉर्मल की डायरेक्शन में कहा जा सकता है यू एक्स साइन फाई। आप ध्यान दें कि इस एंगल के फाई होने के कारण इस एंगल को भी फाई होना चाहिए। ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई होगा और ये फाई, सो यू एक्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए यू एक्स साइन फाई। और इसी प्रकार यू वाई के कंपोनेंट को अगर इस डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जाए तो ये फाई होने पर इसे 90 माइनस फाई और इसे फाई होना चाहिए, और यू वाई का कंपोनेंट इस नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा यू वाई कॉस फाई। सो मैं इसमें माइनस यू वाई कॉस फाई को एड कर रहा हूं। सो इस वाशर की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में है वो कुछ इस तरह से दिया जा सकता है। और अगर हम इस हुप की वेलोसिटी यू वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो उसे क्या होना चाहिए, एक बार समझें। इसके फाई होने के कारण इसे फाई होना चाहिए
और इसके फाई होने पर ये 90-5 यानी यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट के रूप में आना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि ये 90-5 है तो इसे फाई होना चाहिए। सो यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यू कॉस फाई और इस डायरेक्शन में यू साइन फाई होगा। सो अगर हम इस नॉर्मल डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट के बने रहने के कारण वाशर और हुक की वेलोसिटी कंपोनेंट को कंपेयर करें तो क्या इक्वेशन बनेगी, समझें। ये वाशर की वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में है और हुक की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट होगा यू साइन फाई। सो इस तरह से लिखा जा सकेगा एक इक्वेशन को इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। यहां पर ध्यान दें कि हमने सरफेस कंस्टेंट को यूज किया है इस यू वाई को कैलकुलेट करने के लिए, और अब अगर मैं यू एक्स की वैल्यू को अप्लाई करूं इस इक्वेशन में तो क्या आउटकम आएगा, आप ध्यान दें, ये होगा माइनस एम यू अपॉन एम इंटू साइन फाई माइनस यू वाई कॉस फाई इक्वल टू यू साइन फाई। और इस नेगेटिव टर्म को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दिया जाए तो यू वाई कॉस फाई का जो वैल्यू हमें मिलेगा विथ माइनस साइन वो होगा एम अपॉन एम प्लस वन इंटू यू साइन फाई। यानी इस तरह से यू वाई को कैलकुलेट किया जा सकेगा। हमें इस माइनस कॉस फाई को राइट साइड शिफ्ट करना होगा तो मैं इसी लाइन को थोड़ा सा और अरेंज कर दे रहा हूं। आप ध्यान दें इस माइनस को मैं यहां चेंज कर दे रहा हूं और इस कॉस फाई को साइन फाई के डिनोमिनेटर में यूज किया जाना चाहिए। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यू वाई के लिए। अब यू वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और यू एक्स भी हमें मालूम है, और एम यू एक्स आई कैप प्लस एम यू आई कैप वेक्टर की वैल्यू नल वेक्टर आ चुकी है। सो इन सभी चेंजेस को अप्लाई करने पर जो इक्वेशन बनेगी, एक बार आप उसे देखें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इस सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो क्या आउटकम आएगा वैल्यूज पुट करने पर, आप ध्यान से देखें, यह होगा इस टर्म को जीरो करने के बाद इस टर्म से हम शुरुआत करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखें, ये होगा हाफ स्मॉल m इंटू यू वाई स्क्वायर, और यू वाई स्क्वायर के रूप में अगर हम इस टर्म का स्क्वायर लिखें थोड़ा सा अरेंज करके तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे m प्लस m स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर। आप ध्यान दें मैंने एलसीएम लेकर के दोनों को स्क्वायर दे दिया है और इस टर्म को स्क्वायर मिलने पर यह बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। इसे टेन स्क्वायर फाई भी लिखा जा सकता है। सो आगे कंडीशन देख करके हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल इसे ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड टर्म है हाफ एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू यू एक्स माइनस यू, और यू एक्स की वैल्यू अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा माइनस एम यू अपॉन एम माइनस यू होल स्क्वायर, और राइट साइड टर्म के रूप में आप लिखेंगे एम जी आर वन प्लस कॉस फाई। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा इस इक्वेशन को। और अब अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आउटकम मिलेगा, आप ध्यान दें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इन सभी स्टेप्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान दें अगर मैं इसे अरेंज करूं तो ये क्या बनेगा, इस m को कैंसिल किया जा सकता है और अब ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ m प्लस m होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई अपॉन m, एक m कैंसिल किया जा चुका है, इंटू यू स्क्वायर को प्रेजेंट करेंगे एक कॉमन टर्म के रूप में, इसीलिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान दें। और सेकेंड टर्म होगा हाफ m m अपॉन एम प्लस एम इंटू ये टर्म बन जाएगा एम प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। आप ध्यान दें मैंने दोनों टर्म का एलसीएम ले लिया है, यू को मैंने कॉमन ले लिया है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। सो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाना चाहिए एम प्लस एम होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। दोनों टर्म से जो यू स्क्वायर कॉमन लिया गया है उसे एक आउटर टर्म के रूप में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और इसे होना चाहिए एम जी आर वन प्लस कॉस फाई। सो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकेगा इस इक्वेशन के सिंप्लीफाइड फॉर्म को। और अब अगर कुछ टर्म और कैंसिल किए जाए तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान दें, इस एम से इस एम को कैंसिल किया जा सकता है, एम प्लस एम से एम प्लस एम को कैंसिल किया जा सकता है,
और इन सभी चेंजेस के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें मिलेगा हाफ एम प्लस एम, यह कॉमन टर्म होगा और स्मॉल m को भी कॉमन लिया जा सकता है, आप ध्यान देते रहें। ब्रैकेट में हमें मिलेगा कैपिटल m प्लस m साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, प्लस इस टर्म में बचेगा केवल एक कैपिटल m। आप देख पा रहे हैं कि m प्लस m अपॉन m को कॉमन लिया जा चुका है, सो इसे कॉमन लेने के बाद हाफ के साथ हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा m प्लस m साइन स्क्वायर फाई अपॉन कॉस स्क्वायर फाई प्लस कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर वन प्लस कॉस फाइव। सो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। और अब अगर मैं इस टर्म में एलसीएम लू तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान से देखें, ये कॉस स्क्वायर फाइव इस एम के साथ आ जाना चाहिए और डिनोमिनेटर पे होना चाहिए कॉस स्क्वायर फाइव को। सो इसी लाइन में मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, आप ध्यान देते रहें, ये टर्म बन जाएगा एम कॉस स्क्वायर फाइव और एक डिनोमिनेटर टर्म के रूप में आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। कुछ इस तरह से हम लिख पाएंगे इसे। और अब अगर इन सभी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर दिया जाए तो यू स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, आप ध्यान दें, ये वैल्यू होनी चाहिए, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, आप इस सब बातों को समझ चुके हैं। और अब इसे अरेंज करने पर यू स्क्वायर हमें मिलेगा फाइनली एम जी आर वन प्लस कॉस फाई अपॉन 2m cos स्क्वायर फाइव न्यूमरेटर में आ जाना चाहिए और डिनोमिनेटर टर्म के रूप में हमें मिलेगा m प्लस m इंटू ये टर्म। अब ध्यान दें यहां पर कि कैपिटल m साइन स्क्वायर फाइव प्लस कैपिटल m cos स्क्वायर फाइव को m लिखा जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि मैंने साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई को वन यूज कर लिया है। आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू वन, सो उसे मैंने यहां पर यूज कर लिया है। और सेकेंड टर्म के रूप में मेरे पास है स्मॉल एम साइन स्क्वायर फाई, यानी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन यू स्क्वायर के लिए मुझे मिला है। और अब एक फाइनल लाइन के रूप में यू की वैल्यू को मैं अंडर रूट इस टर्म के रूप में लिख पाऊंगा और कुछ टर्म जो कॉमन आ सकते हैं बाहर, उन्हें बाहर लेने के बाद क्या आउटकम बनेगा, आप ध्यान दें, इस m को बाहर लिया जा सकता है स्क्वायर रूट से, कॉस स्क्वायर फाई को कॉस फाई बनाया जा सकता है स्क्वायर रूट के बाहर। और अब स्क्वायर रूट में हमारे पास है जी आर इंटू एक टू भी है और वन प्लस कॉस फाई, और डिनोमिनेटर टर्म्स में हमारे पास है कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर फाइव। सो कुछ इस तरह से हुप की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है दोनों हुप और वासर के मासेस और उस एंगल के टर्म में जो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। आप ध्यान दें जो आंसर आया है वो स्मॉल एम कॉस फाइव इंटू अंडर रूट टू जी आर वन प्लस कॉस फाइव अपॉन एम प्लस एम इंटू एम प्लस एम साइन स्क्वायर फाइव है और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। सो इस तरह से सेंटर ऑफ मास की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी के टर्म में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लिप में हम ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर बन के इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। सो दोनों मेथड्स पे आप ध्यान दें, जब आप सभी सवालों को कई कई एस्पेक्ट से करेंगे तो आप ज्यादा क्लैरिटी से उन सवालों तक अप्रोच कर पाएंगे। थैंक यू।